अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद बिलाल एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और काफ़ी डेज़ के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है, तकरीबन 10 दिन के बाद ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो है और आज जो फ़ोन हम अनबॉक्स करने वाले हैं वो रेडमी A3 जो है वो अनबॉक्स करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बजट स्मार्टफोन रेडमी की तरफ से पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, जिसके प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। और जितने भी रेडमी के यूज़र्स हैं उनके लिए ये बहुत गुड न्यूज़ है, क्योंकि 128 GB स्टोरेज के साथ 26,000 के प्राइस टैग के अंदर रेडमी ने फ़ोन लॉन्च किया है और आपको मार्केट में जो है 25,000 से 26,000 में इजीली ये मिल जाएगा। ये लेटेस्ट मॉडल लॉन्च किया गया है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेडमी A3। 4 GB रैम है, 128 GB इस फ़ोन की मेमोरी है, 5 mAh की बैटरी है। इस फ़ोन की जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक इस फ़ोन के अंदर, डुअल रियर कैमरा सेटअप इसके अंदर दिया गया है। और बॉक्स जो है फ़ोन का वो रेडमी कि जो डिफरेंट थोड़ा किया कलर रेड दिया है इसके अंदर। ये जिस तरह आप देख रहे हैं रेडमी 13C का बॉक्स था, उससे मिलता जुलता बॉक्स दिया गया है इस फ़ोन का। और इस फ़ोन पे जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं। स्टार ब्लू कलर का फ़ोन हमारे पास इस वक्त मौजूद है और 4 GB रैम है इस फ़ोन की और 128 GB मेमोरी है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इसके अंदर पावरफुल ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है, AI डुअल रियर कैमरा है इस पर मेंशन हुआ हुआ है, और गूगल ऐप्स, तो गूगल ऐप्स एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड चेक करना पड़ेगा इसको अनबॉक्स करने के बाद कौन सा वर्जन है। और लार्ज डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया है गाइस, 6.7 इंच का इसका जो लार्ज डिस्प्ले इसमें बॉक्स में मेंशन किया गया है, जिसका 90Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। 90Hz रिफ्रेश रेट जो है वो 26,000 के प्राइस टैग के अंदर काफ़ी इंप्रेसिव रहेगा गाइस। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहे। अभी बहुत सारे फ़ोन जो है वो नए सैमसंग के और दूसरे ब्रांड्स के पाकिस्तानी मार्केट में बिल्कुल एक नई सीरीज लॉन्च की जा रही है, जो कि अब मुझे डेली की बेस पे जो है वो नए फ़ोन की अनबॉक्सिंग की वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अब आए इसे अनबॉक्स करते हैं और इसको चेक करते हैं, ब्लू कलर का फ़ोन, इसका लुक कैसा है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ इसका लुक जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। मैं ये फ़ोन जो है वो सेल भी कर चुका हूँ और देख भी चुका हूँ, तो आपके सामने इसको अनबॉक्स करूँगा। आए चेक करते हैं इसका जो फ़ोन का जो लुक है, फर्स्ट लुक वो चेक करते हैं, तो आए इसे अनबॉक्स करते हैं। अपने देखने वालों को एक बार फिर मैं बता देता हूँ, रेडमी A3 इस वक्त फ़ोन मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ जो मेरे पास है, स्टार ब्लू कलर का ये फ़ोन है। अच्छा, इसके तीन कलर पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल हैं, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। ब्लू कलर जो है वो इस वक्त मेरे पास है। एंड्रॉयड इसके अंदर 14 दिया गया है, लेकिन गो एडिशन है, एंड्रॉयड इसके अंदर गो एडिशन दिया गया है। यही मैं चेक करना चाह रहा था कि इसका जो एंड्रॉयड है वो कौन सा एंड्रॉयड जो है वो इसका गो एडिशन है, एंड्रॉयड 14 है। और ये फ़ोन आपकी जो है वो नज़रों के सामने अनबॉक्स होने वाला है। साथ साथ मैं कुछ इसके फीचर्स की बात कर लेता हूँ। इसके अंदर जो है वो 2G 3G और 4G 4G LTE तक सपोर्टेड है ये फ़ोन। ये फ़ोन मैंने अनबॉक्स कर दिया है इस वक्त। इसका चार्जर चेक करते हैं, चार्जर इसका जो है वो 10W का लग रहा है। चार्जर जो है इसके अंदर गाइस 10W का दिया गया है, जो कि USB-C केबल के साथ दिया गया है। USB-C केबल के साथ देख सकते हैं आप स्क्रीन में, Type-C का चार्जर दिया गया है, 10W का है। और जो है वो ये वारंटी कार्ड है इसका, और इसके अलावा इसके सिम इंजेक्टर टूल दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपनी सिम इंजेक्टर टूल जो है इस फ़ोन के अंदर दिया गया है। अच्छा, इसके स्क्रीन पे भी कुछ फीचर्स मेंशन हुए हैं। स्मूथ इसका डिस्प्ले है, 90Hz का, AI का डुअल लेयर कैमरा है, 8MP का एक कैमरा है और एक कैमरा जो है वो VGA कैमरा दिया गया है। मैसिव 500 mAh की बैटरी आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें दी गई है। सिक्योर फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक है, फेस अनलॉकिंग है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। प्रोसेसर जो है इसके अंदर गाइस वो मीडियाटेक हीलियो G36 है, जो कि 6 nm का है, काफ़ी इंप्रेसिव रहेगा इस प्राइस टैग के अंदर। वाओ, फोन का लुक जो है वो बहुत ही कूल लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो कैमरे का फ्रेम दिया गया आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं राउंड में, इससे कुछ फ्लैगशिप टाइप का जो ये फ़ोन है वो ये लग रहा है। और फ़ोन भी जो है वो थिक नहीं है, स्लिम फ़ोन है, ज़्यादा थिक फ़ोन नहीं है। फ़ोन का जो लुक है गाइस वो मुझे पसंद लगा। एक कैमरा जो है वो मेन सेंटर में कैमरा दिया गया है और एक कैमरा जो है वो साइड पर दिया गया है, साइड पर फ्लैश लाइट है। एक कैमरा यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ़ोन का जो लुक है ना वो
मुझे कुछ फ्लैगशिप टाइप मॉडल का फोन लग रहा है, बहुत ज्यादा जैसे एक्सपेंसिव फोन होते हैं। 26,000 गाइस इस फोन की प्राइस है। रेडमी वाले जो यूजर्स हैं उनके तो समझ लें एक तरीके से बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं इस प्राइस टैग के अंदर। 4G 128GB 90Hz का रिफ्रेश रेट, जो कि गोरिल्ला ग्लास है, 6.7 इंच का डिस्प्ले है, 5th जनरेशन इसमें गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड है। इसकी स्क्रीन है 720x1650 इसके जो है वो पिक्सल्स दिए गए हैं। फोन को मैं ऑन कर लेता हूँ, ऑन करने के बाद इसको एक्टिवेट करता हूँ, इसको यूज करता हूँ, इसके कैमरा चेक करता हूँ और उसके बाद फिर जो है वो आपसे दोबारा मिलता हूँ। तो गाइस फोन ऑन हो चुका है, यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हीलियो मीडियाटेक हीलियो G36 12 nm का इसके अंदर जो है वो चिपसेट यूज किया गया है, जबकि इसका GPU जो है वो पावर VR GE8320 है। अच्छा, IPS इसके अंदर LCD दी गई है, जिसके अंदर 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 6.7 इंच का जो है वो इसका डिस्प्ले का साइज है। 90Hz का रिफ्रेश रेट जो है काफ़ी स्मूथ है। फोन को मैंने अच्छे से यूज़ किया। इंटरफेस इसका आप देख सकते हैं गाइस, इंटरफेस इसका काफ़ी कूल है। 14 इंच के अंदर एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है, जो कि गो एंड्रॉयड वर्जन है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इसके जो फील आ रही है फोन की, एक बार फिर लुक चेक करते हैं, लुक की फोन की जो फील आ रही है, 194 ग्राम जो है गाइस इस फोन का वेट है। और ये साइडों से भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। 3.5 mm का इसके अंदर ऑडियो जैक जो है वो ऊपर दिया गया है, ये रहा स्क्रीन पे। और टाइप सी का जो है वो चार्जर ये दिया गया है। इसका जो स्पीकर है, स्पीकर की जो ग्रिल है वो ऊपर दी गई है। बाकी फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक जो है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक दिया गया है, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ़ोन का लुक जो है वो शायद मैं आपको ठीक से दिखा रहा हूँ, फ़ोन का लुक जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा मुझे इस प्राइस टैग के अंदर इस तरह का फ़ोन। जबकि इसका स्टाइल भी थोड़ा चेंज किया गया है, बैक से जैसा ट्रिपल लेयर कैमरा हर फोन के अंदर आ रहा है उस तरह का इसका सेटअप नहीं है, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। 8 MP के बैक कैमरे से कुछ मैंने पिक्चर्स लिए गाइस, वो अपनी स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं। 8 MP कैमरे के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगा मुझे इसका रिजल्ट, जो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जूम करने के बाद भी इसके पिक्सल्स जो है वो इतने ज़्यादा ब्लर नहीं हो रहे हैं, कम ब्लर हो रहे हैं 8 MP के हिसाब से, तो बहुत ही अच्छा इस फोन का रिजल्ट लगा मुझे। और इसका जो फ्रंट कैमरा का रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 5 MP के फ्रंट कैमरा जो अपनी स्क्रीन पे इसका रिजल्ट देख रहे हैं। और जो ये जो है 5 MP पोर्ट्रेट्स इसकी जो है वो पिक्चर ली गई है, जो कि काफ़ी कूल इसका जो है लग रहा है। फ़ोन को मैंने यूज़ भी करके चेक किया है, कहीं पर भी ये फ़ोन लैग नहीं हुआ है। आपको पता है ये वीडियो मैं किसी कंपनी के व्यापार पे नहीं बना रही, खुद फ़ोन परचेज किया है अनबॉक्स करने के लिए आप लोगों के सामने, इसलिए ये कोई मैंने किसी कंपनी के व्याप पे ये वीडियो नहीं बनाई है। तो जो बिल्कुल इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो मैं आपको दे रहा हूँ। फ़ोन जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस प्राइस टैग में। जो लोग मुझसे पूछते हैं भी ये फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल भाई ये फ़ोन लेना चाहिए, ये फ़ोन बढ़ सकता है। हो सकता है कि आने वाले वक्तों में इसका प्राइस और भी कम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में फ़ोन के प्राइस दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। लेकिन ये फ़ोन इस प्राइस में जज करता है, जो कि 6.7 इंच डिस्प्ले के साथ, 500 mAh बैटरी के साथ, टाइप सी का फास्ट चार्जर है, और इतने प्राइस के अंदर 128GB मेमोरी स्टोरेज जो है वो ये फ़ोन देता है। अच्छा, जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, इसका जो फ्रंट कैमरे से वीडियो बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वो 1080p 30 fps पे ये जो है वो वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। HDR फीचर बैक कैमरे में मौजूद है, और फ्रंट कैमरे जो 5 MP का कैमरा है फ्रंट, उसमें भी 1080p 30 fps पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जिन जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली एक बार फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो जो फोन लेना चाहते हैं, फोन पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। 25,000 से 26,000 का इसका रिटेल प्राइस दिया गया है। एंड्रॉइड इसके अंदर 14 है, गो एडिशन है, और बाकी सब फीचर्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो जरूर कैसी लगेगी, आप लोगों ने जरूर बताना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।